Welcome to Theory Unplugged. So in this session, we will discuss characteristics of destructor. So in this session, we will discuss 10 points and one example. So dekhte hai, what is characteristics of destructor? So characteristics of destructor. So destructor is a member function whose name is the same as the class name but preceded by tilde operator. ठीक है? तो first point बोलता है कि भाई क्लास का नाम और फंक्शन का नाम मतलब ही वो हो जाएगा आपका डिस्ट्रक्टर. ठीक है, बट उसके सामने लगेगा टिल्ड ऑपरेटर. थोड़ा देखते हैं. ठीक है, दिस इज माय क्लास, ये मेरा क्लास का नाम. ठीक है, और ये मेरा कंस्ट्रक्टर मतलब ही फंक्शन फिलहाल के लिए, बट इसके ये मेरा कंस्ट्रक्टर. ठीक है, This is my destructor. ठीक है, क्यों destructor? क्योंकि इसका नाम और इसका नाम सेम है और सामने क्या लगा हुआ है, tilde operator लगा हुआ है. ठीक है, so इसीलिए वो कहलाएगा destructor. ठीक है, और class का नाम और function का नाम सेम रहेगा, उसके आगे tilde operator नहीं रहेगा, वो रहेगा हमारा constructor. तो this is my constructor. क्योंकि इसका नाम भी और इसका नाम सेम है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कंस्ट्रक्टर. सो देखते हैं सेकंड पॉइंट. एज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न टाइप इवन वॉइड. ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट की बात करते तो क्या बोलता है कि डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर में कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन वॉइड. ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर हमारे पास कोई रिटर्न टाइप नहीं है. ठीक है, कुछ भी नहीं है, वॉइड भी लिखा हुआ है, इसीलिए ये डिस्ट्रक्टर है. ठीक है, डिस्ट्रक्टर में कभी भी आपको वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड हो गया. थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, डिस्ट्रक्टर इवोक ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉयड. ठीक है, डिस्ट्रक्टर हमेशा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. कब? जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं, दिस इज माय वॉइड मेन. तो मेरा सैंपल एस करके मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया. ठीक है, सैंपल एस करके ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट बनते बराबर पहले मेरा कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उस टाइम पे मेरा डिस्ट्रक्टर रन हो जाएगा. ठीक है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही मेरा कंस्ट्रक्टर रन होगा और क्लास का ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होती मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है, सो क्लियर. आते हैं फोर्थ पॉइंट के पास. सो डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड थ्रू अ डिराइव्ड क्लास कैन कॉल डिस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास. ठीक है, सो इट्स क्लियर. अब यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे कोई हमने इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं लिया, बट क्या बोलता है ये कि डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, वो इनहेरिट नहीं होंगे थ्रू A derived class can call destructor of the base class. ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, डिस्ट्रक्टर कैन बी वर्चुअल. ठीक है, वो वर्चुअल हो सकते हैं बट कंस्ट्रक्टर कैनॉट. ठीक है, डिस्ट्रक्टर कैन बी वर्चुअल बट कंस्ट्रक्टर नॉट. ठीक है, कंस्ट्रक्टर वर्चुअल नहीं हो सकते बट डिस्ट्रक्टर हमारे वर्चुअल हो सकते. ठीक है, देन डिस्ट्रक्टर नाइदर हैव डिफॉल्ट वैल्यू नॉर कैन बी ओवरलोडेड. ठीक है, डिस्ट्रक्टर कभी भी नाइदर डिफॉल्ट और नॉर ओवरलोडेड, वो डिफॉल्ट नहीं रहेंगे और इवन वो ओवरलोडेड भी नहीं रहेंगे. ठीक है, सो सिक्स पॉइंट इज क्लियर. देखो सेवन पॉइंट अगर बात करते हैं, सो प्रोग्रामर कैन नॉट एक्सेस द एड्रेस ऑफ डिस्ट्रक्टर. ठीक है, प्रोग्रामर एक्सेस नहीं कर सकता एड्रेस किसके, डिस्ट्रक्टर के. अगर एट पॉइंट की बात करें तो डिस्ट्रक्टर कैन मेक इम्प्लिसिट कॉल्स, बट कब, टू ऑपरेटर्स न्यू एंड डिलीट इफ मेमोरी अलोकेशन इज नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट. अगर मेमोरी अलोकेशन और डीएलोकेशन की बात आती है तो उस टाइम पे कौन सा कॉल होगा आपका, इम्प्लिसिट कॉल हो जाएगा. ठीक है, बात करते हैं नाइन पॉइंट की, तो ओनली वन डिस्ट्रक्टर इन द क्लास अलाउड. ठीक है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्लास में सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर ही रहेगा. देन लास्ट
10 पॉइंट की अगर बात है तो वो स्टैटिक डिस्ट्रक्टर इज नॉट अलाउड, ऑब्वियस है स्टैटिक डिस्ट्रक्टर अलाउड नहीं है, ठीक है। सो दिस इज दी 10 पॉइंट्स विथ द एग्जांपल। अगर आउटपुट की अगर बात करते तो बहुत सिंपल आउटपुट आ जाएगा इसका, ठीक है। तो जैसी कंस्ट्रक्ट जैसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेरा कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, तो क्या आउटपुट आएगा, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ये आएगा पहला। और जैसे इसका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है उस टाइम पे मेरा डिस्ट्रक्टर रन हो जाएगा। सो डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सो हियर इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसमें आपको 10 पॉइंट्स आपको बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। सो हियर इज द डिस्ट्रक्टर।